दूसरी चीज आप ये समझें कि कोई भी सवाल होता है आप लोगों का, वो हर किसी का सवाल है, बस संज्ञाएं दूसरी हैं। आप अपने सवाल को और समझना चाहें, सवाल को सरल और बनाएं, तो आपका सवाल है कि ये बुरी आदतें कैसे छोड़ पाऊं मैं। वो कुछ भी हो सकता है। आप शायद जानकर हैरान हों या ना हों, जो लोग क्रोधी लोग होते हैं उन्हें भी शराब जितना ही एडिक्शन है। एक बारी को शराब और स्मोकिंग का एडिक्शन छूट जाता है, क्रोध का अहम का एडिक्शन नहीं छूटता। ये आप समझें, ज़्यादा नुकसान क्या करता होगा। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझेंगे तो शराब से कहीं अधिक गुना क्रोध परेशान करता है इंसान को। क्रोध बहुत बीमारी की जड़ है। शराब को मैं बिल्कुल प्रोपोगेट नहीं करता हूं, क्योंकि शराब ध्यान का विरुद्ध है, विरोधी है, अपोजिट्स हैं। लेकिन शराब और क्रोध को हम कभी ये ना सोच लें कि क्रोध कोई बहुत अच्छी चीज और शराब तो बिल्कुल ही बुरी चीज है। इसके अलावा आप ये भी समझें कि जो इंसान अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा, कसरत नहीं करता, और वो शराब भी नहीं पीता और कसरत भी नहीं करता, तो आप ये मत सोच लेना कि वो इंसान बहुत ऊपर है और आप शराब पीते हैं तो आप नीचे हो। ये भी आप समझे, वो सब नशे की श्रेणी है। अगर आप किसी खिलाड़ी को उठाएंगे, अधिकतर वेस्टर्न फुटबॉलर्स को उठाएंगे जो अपने शरीर का ध्यान देते हैं, और रात को अगर वो शराब पी रहे हैं, तो ज्यादा सेहतमंद और ज्यादा ध्यान की संभावना उस शराब इंसान के जीवन में घटना संभव है। क्योंकि ऊर्जा पैदा करने के लिए जो ध्यान में लगेंगी आगे चलकर, उसके लिए शरीर सेहतमंद होना चाहिए। आप किसी IAS के स्टूडेंट के बच्चों को देखकर ये मत सोच लेना वो आपसे ऊपर है, जो रोज 12-12 घंटे प्रिपेयर कर रहा है, उसके हाथ एकदम चूहे जितने पतले हो रखे हैं, शरीर में कुछ बचा ही नहीं है, कोई धक्का दे और गिर जाए, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल खत्म हो चुका है। इस दशक में टेस्टोस्टेरोन कोलैप्स बहुत बड़ा इशू आ चुका है। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन इतना घट चुका है, ये नई बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं मर्दों को। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोच लेना कि अगर आप शराब पी रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, तो वह आप गड़बड़ हो और वो इंसान बहुत आपसे अच्छा है जो पूजा पाठ करता है और अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं देता, क्रोध करता है। क्योंकि पूजा पाठ वालों को भगवान का सहारा तो मिल जाता है, तो क्रोधी भी अधिक हो जाते। तो आप ये सबसे पहले समझें कि मुद्दा हर किसी इंसानी सभ्यता का सेम ही है। एडिक्शंस हैं सारे, इमोशंस का एडिक्शन, एंगर का एडिक्शन, एल्कोहल का एडिक्शन, स्मोकिंग एडिक्शन, ऐसा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। तो आप ये समझ जाएं और एकदम क्लियर हो जाएं। दूसरी चीज, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बाहर ना आया जा सके। जितना शक्ति आप अपने सवाल को, इस सवाल को दोगे, जितना शक्ति आप ऐसे समझोगे कि शराब को छोड़ना, स्मोकिंग को छोड़ना मुश्किल है, उसी पल वो उतने शक्तिशाली हो जाएंगे। ये अपने जीवन में एक ये नियम आप समझे, ये मन का आप ये नियम समझे, मन का सूत्र है। जिस चीज को आप जितना ध्यान दोगे, जितना शक्ति दोगे, उतना कठिन मानोगे, वो उतना कठिन है। खुद शराब तो नॉन लिविंग थिंग है ना, शराब के पैर नहीं है, शराब का हृदय नहीं है, वो इंसान उसको शक्ति दे रहा है, इंसान उसको शक्तिशाली बनाता है। तो सारी की सारी गड़बड़ शराब छोड़ने पर नहीं है, शराब तो कुछ छूटी भी पड़ी हुई है, शराब कुछ नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है। मन से ऊपर कैसे आ जाए, और मन से ऊपर आना यानी कि एडिक्शंस कैसे छोड़ें। हर इंसान एडिक्टेड है। ये इंसानी सभ्यता अगर एडिक्टेड ना हो तो अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगी। एडिक्शंस इंसानों को सभ्य बना पाता है, इसी को कहा जाता है कंडीशनिंग। वही कंडीशनिंग अगर हम बुरी चीज की ले ले तो हम उसे बोल देते हैं एडिक्शन। हर कोई एडिक्ट है, हर चीज का एडिक्ट है। इंसान जानता है कि भूत की पिक्चरों में कुछ नहीं रखा, लेकिन हम भूत की पिक्चरें क्यों देखते हैं। हमें इमोशंस का स्वाद है, हमें पता है क्रोध कर कुछ नहीं होता, हमें इमोशंस का स्वाद है। और इंसान का यही एडिक्शन इंसान को प्रिडिक्टेबल बनाता है, जिस वजह से इंसानी सभ्यता चल पाती है। इंसान अगर इस प्रकार का हो जाए कि जब चाहे अपना बर्ताव बदल ले, अपने रिएक्शंस बदल ले, जब चाहे आप छोड़ दें अगर शराब का एडिक्शन, अगर ऐसा हो जाता इंसान, तो इंसानी सभ्यता नहीं बढ़ सकती थी आगे। हर कोई अगर मस्तिष्क से ऊपर उठ जाएगा तो इंसानी सभ्यता डगमगा से जाएगी। क्योंकि मस्तिष्क से ऊपर उठते ही या तो आप भगवान के रास्ते पर जाएंगे या फिर शैतान के रास्ते पर जाएंगे, और ज्यादा संभावना इस युग में है कि हम शैतान के रास्ते पर ही जाएंगे। मस्तिष्क से ऊपर उठते ही ज्यादा संभावनाएं ऐसी कि हम शैतान के रास्ते पर जाएंगे। हर कोई एडिक्ट है,
तो एडिक्शन जरूरी है। अब बात आती है, और ध्यान का बहुत एडिक्शन होता है लोगों को नहीं समझ आ रहा है क्या है वो। ध्यान को इस प्रकार से एडिक्शन मानकर बैठ जाते हैं। आप कभी मंदिरों में पंडितों से मिलेंगे तो पूजा के वक्त अगर आप उस पंडित के आगे आवाज कर दो या कुछ हल्ला मचा दो, कोई छोटे बच्चों को मार मार के भगा देते हैं, उनकी साधना 2 मिनट में भंग हो जाती है, वो इतना क्रोधित हो जाते हैं। आप किसी पंडित के यज्ञ में अगर कुछ गड़बड़ कर दो, गलत विधि कर दो, तो वो इतना क्रोध कर देंगे आपको, आपको श्राप दे देंगे। पंडित अगर आपको माला दे रुद्राक्ष की और अगर आप उसे गलत विधि से जप दो, तो वो बोलेंगे सब खत्म, सब क्रोध, सब तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। वो भी नहीं आजाद, शराबी इंसान भी नहीं आजाद, क्रोधी इंसान भी नहीं आजाद, कोई आजाद नहीं है। और हर किसी की जर्नी यही है। साथ ही अमन जी का भी यही सवाल आया, स्ट्रेस से कैसे रिड हो। आपको ये समझना है, स्ट्रेस ये सारी चीजें कंडीशनड हुआ आप लोग इस चीज के लिए। सबसे पहले आप ये समझें, कुछ एक्सपेरिमेंट्स इसी चीज को समझने के लिए, क्योंकि इस एडिक्शन, शराब के एडिक्शंस को तोड़वाने के लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने जो कॉन्क्लूजन्स निकाले थे। शराब का एडिक्शन तो फिर भी इंसान छोड़ देता है, ड्रग का एडिक्शन निकल तोड़वाने के लिए स्मोकिंग छोड़ना और कठिन हो जाता है, क्योंकि उतनी जितनी ईजी चीज है उतना एक्सेसिबल है। आजकल पॉर्न का एडिक्शन इतना भीषण हो चुका है, जितना ईजी उतना एक्सेसिबल है। तो अगर ये सारे एडिक्शंस तोड़वाने हैं, तो मनोवैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर अभी तक पहुंच चुके हैं कि जितना गहरा सम्मोहन आपको शराब का है, उतना गहरा ही सम्मोहन आपको डालना पड़ेगा उसे तोड़वाने के लिए। जितने करंट के झटके आपको देने पड़ेंगे उसको तोड़वाने के लिए, जितना गहरे अंदर तक आपकी शराब डूबी हुई है। अगर आप 5 साल से पी रहे हैं, 10 साल से पी रहे हैं, 15 साल से पी रहे हैं, 20 साल से पी रहे हैं, तो हर उसमें अलग विधि अपनाई जाएगी, बिल्कुल अलग विधि होगी। और उसके लिए दूसरी चीज, विधियां क्या है वो अभी हम जानेंगे। दूसरी चीज आप ये समझें कि किस दिशा में आपको बढ़ना है, किस दिशा में आपको बढ़ना है। आप शराब सोचते हैं, काम वासना का बहुत बड़ा एडिक्शन इंसानों को, रेप क्या चीज होती है। शराबी इंसान तो खुद को नक्श कष्ट पहुंचा रहा है, रेप वाला इंसान, रेपिस्ट, तो दूसरे को कष्ट पहुंचा रहा है। साइको किलर्स पर अगर आप जाते हैं तो इतने प्रकार के एडिक्शन है जिनको छोड़ना लगभग असंभव ही माना जाता है। हमारी फैमिली में भी जो हमारी मौसी जी हैं, उनके जो बेटे हैं, वो जो सबसे भीषण से भीषण एक्सपेरिमेंट वो होते हैं ड्रग्स, जिनके ऊपर इंसानी सभ्यता अभी तक नहीं पहुंच पाई, जैसे क्रिस्टल मेथ, इसलिए मैं आपको कई बार ये सब बताता रहता हूं। वो इतना भीषण हो चुके हैं कि अपने माँ बाप के गर्दन दबा देते हैं, रस्सियों से गला घोट देते हैं, और अभी वो पिछले 1-1.5 साल से उन्हें थेरेपी में डाल रखा है, वो घर नहीं आ सकते। और पिछली बार उन्हें डाला गया था तो जैसे घर आए वो हमारे पास आए कि अब से हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, आप और हम फुटबॉल खेलेंगे, जिम जाएंगे। हमने बोला बिल्कुल जा, बिल्कुल चलेंगे, अच्छी संगत में रहेंगे। ये करते रहे वो हफ्ता 10 दिन और फिर वापस वहीं पहुंच गया वो इंसान, फिर वो इस भीषण तक चले गए। तो इतनी कठिन कठिन चीजें हैं दुनिया में। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि शराब को आप सबसे पहले बहुत कठिन वो मत मान जाओगे। अगर आपको कोई मनवा रहा है कठिन, तो उस इंसान से दूर हो जाना, क्योंकि आपको ये समझ लेना उसका धंधा है वो चीज। आपको कठिन से कठिन मनवा देना आपका एडिक्शन को, कि शराब का एडिक्शन तो छुड़ जाएगा लेकिन आपको 25 करोड़ की दवाई खानी पड़ेगी। तो जो आपको जीवन को बोल दे कठिन है, उससे आप तुरंत दूर हो जाओ। जो आपको बोल दे जीवन में भय है, ये है, वो है, सब खतरनाक है, उससे दूर हो जाओ। वो धंधा चल रहा है वहां पर, कठिन कुछ भी नहीं है। कठिन सिर्फ एक चीज है, अपने आप को जान लिया और उस रास्ते पर हम अगर चल पाए, ये कठिन है बस। आपको क्या खोजना है, आपको खोजना है कोई एक ऐसी चीज जो शराब से भी अधिक आपको स्वाद लगे। शराब की वासना को छोड़ने के लिए नई वासना पकड़नी पड़ेगी, जबकि वो भी गलत मार्ग है, लेकिन हमें धीरे धीरे करके अगर उठना है। क्योंकि आईसीयू में अगर कोई इंसान है तो आप उसे DIP डाइट नहीं दे सकते, क्योंकि चबाएगा कैसे। कोई कोमा में है, हम उसे पाइप लगाकर भोजन देना पड़ता है, वो चबाएगा कैसे। आप उसे पत्ते खिलाओगे तो नहीं चबा पाएगा। फिर जब इंसान थोड़ा बाहर आता है, फिर और बाहर आता है, फिर व्हील चेयर पर आता है, तब हम उसे DIP डाइट देते हैं। अब व्हील चेयर से अगर बाहर उठ जाए और सब चलने दौड़ने लग जाए, तब वो इंसान हफ्ते में 2 दिन में 4 दिन में कुछ अलग भी खा ले तो ऐसा कोई शरीर पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। शराब को अब आप समझ रहे हो कि बहुत आप कठिन नहीं मानना। दूसरी चीज जो आपको करनी है, उससे बड़ा स्वाद खोजना है कुछ। जिस दिन आपको उससे बड़ा कोई स्वाद मिल जाएगा, उससे खूबसूरत कोई चीज दिखने लग जाएगी, तो आपको
शराब की तरफ तो मजा तो उतना ही रह जाता है, लेकिन साथ में आप बोध करने लग जाओगे, साथ में विचार करने लग जाओगे, आप सोचोगे करके होता क्या है। किसी तरह आपका मकसद होना चाहिए कि शराब लेने से जस्ट पहले आपकी नींद टूट जाए, कुछ भी ऐसी विधि मिल जाए कि उससे पहले आपकी नींद टूट जाए। चाहे आपको स्ट्रेस है, किसी इंसान को क्रोध की दिक्कत है, किसी इंसान को काम वासना की दिक्कत है, कोई ऐसी विधि बन जाए जो आपकी नींद तोड़ दे। और नींद नहीं टूट पाई तो सिर्फ दो चार सवाल आपके मन में किसी तरह आ जाए कि ये पीके होगा क्या, इससे होता क्या है। इस फीलिंग को अगर आप अपने अंदर जनरेट करवा गए किसी भी तरह, यही इकलौता संभव सॉल्यूशन होता है किसी भी चीज का। और इसी को कहते हैं जगना। सिर्फ यही है साक्षी भाव। ओशो से यही सवाल पूछा गया और ओशो ने साफ साफ कहा दुनिया की कोई ध्यान विधि तुम्हें नहीं ईश्वर तक ले जाएगी, कोई भक्ति मार्ग तुम्हें ईश्वर तक नहीं ले जाएगा। सिर्फ एक चीज ले जा सकती है, वह है अपने अंदर जगना। और अपने जब तुम कुछ गलत कार्य करने जा रहे हो जिसको तुम गलत मानते हो, उस वक्त थोड़ा ठीक पहले सोचो ये करके होगा क्या। फिर अगले दिन मेरे को हैंगओवर होगा या सर दर्द होगा या कुछ होगा, फिर मेरे को गिल्ट फील होगी। जब ये जगने की स्थिति, ये फीलिंग की शक्तियां हैं, ये आप समझे, फीलिंग पैदा करनी है, कुछ भी करके फीलिंग पैदा करनी है। जिस दिन आपको फीलिंग की शक्ति आपकी बढ़ती जाएगी, तो आपको शराब का वो स्वाद बहुत ही मूर्खता लगने लग जाएगा। आपको अपनी ऊर्जाएं किसी क्रिएटिव तरफ पर ले जानी है। तीसरी चीज आप ये समझें, हम अगर कोई भी क्रिएटिव चीज नहीं करेंगे, अगर क्योंकि अगर आप ये चीज किसी पंडित पर लेके जाओ, आज ही आप अपने जन्म पत्र लेकर जाओ, तो आपको पंडित क्या बोलेगा, आपका शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह गड़बड़ है। आपको बल्कि बोला भी गया होगा, तो शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह क्या होता है, क्या है वो, यही है कि हम अपने मस्तिष्क से कमजोर, अपने मन से कमजोर है। ये युद्ध है आपके मन के और आपकी आत्मा के बीच में। आपकी आत्मा जानती है कि शराब ध्यान का विरुद्ध है, पर आपका मन मानता नहीं है। वेस्ट की पूरी कोशिश है आपके मन को ऐसे उपकरण दे दी जाए कि आपका मन महाशक्तिशाली हो जाए। और आप ये बात याद रखना कि जिस दिन मन को इतना सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा, जैसे आज के युग में मिल चुका है, दिल्ली में हर दूसरी सड़क पर आपको शराब के ठेके मिलेंगे, तो मन इतना शक्तिशाली हो जाएगा सारी बीमारियां वहीं शुरू हो जाएगी। मन तो कहेगा मैं कामुक हूं, मुझे स्त्री चाहिए भोगने के लिए, और यहां पे उपस्थिति सारी सपोर्ट सिस्टम सेटअप है, आप कॉल करोगे आपके यहां लड़कियां उपस्थित आ जाएंगी। मन के लिए सपोर्ट सिस्टम बन चुका है। मन ऐसी भूतनी है कि आप जितना उसे सपोर्ट, जितना उसे मदद करना चाहोगे उतना शक्तिशाली हो जाता है। इसका समाधान दूर भागना बिल्कुल नहीं है, इसका समाधान शराब को भोगना बिल्कुल नहीं है। एक समाधान है आपको जगना। जगो यानी कि जगने का अर्थ अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो विचार करते रहो, बोलते रहो, अपने अंदर रिपीट करते रहो। इतना बार दोहरा दोगे तो आप अपने को सम्मोहित कर जाओगे, या फिर आप अपने को कंडीशनड कर जाओगे, या फिर आप अपने जेनेटिक्स बदल जाओगे। आप वैज्ञानिकों के पास जाते हो तो वो आपको क्या बोलेंगे, पंडित तो आपको ये बोल देंगे आपके शुक्र और चंद्र में गड़बड़ है, आप मोती की ये पहन लो, अंगूठी पहन लो। आप वैज्ञानिकों के पास जाओगे तो वो नया आपको बोल देंगे कि ये इसका जो जेनेटिक्स है, एडिक्टिव जेनेटिक्स का इंसान है ये। अगर ये शराब का एडिक्ट नहीं होगा तो किसी और चीज का एडिक्ट हो जाएगा, ये काम वर्कहोलिक हो जाएगा, सुबह शाम पैसा कमाता रहेगा। अगर उसका एडिक्ट नहीं हुआ तो जिम एडिक्ट हो जाएगा। उनके तो सरल सा विज्ञान होता है, वो तो बहुत दो चार चीजें बता देंगे आप और आपको कैटेगरी में डाल देंगे एडिक्टिव प्रणाली का इंसान, आपके जेनेटिक्स ही ऐसे। लेकिन अगर आप और गहराई में सारे उनका विज्ञान पढ़ोगे, और पढ़ना का समय नहीं है तो ये बातें समझोगे कि उनके नया विज्ञान आ चुका है एपिजेनेटिक्स, और वो उनके इस डेफिनेशन को भी पूरा बर्बाद कर चुका है। वो कहा करते थे कि इंसान के जेनेटिक्स ही एडिक्टिव जेनेटिक्स के हैं, ये खानदान से एडिक्शन लेकर आया है, तो ये किसी न किसी चीज का एडिक्ट तो बनेगा ही बनेगा। स्त्रियों का एडिक्ट बन जाएगा, शराब का एडिक्ट बन जाएगा, नहीं तो काम का एडिक्ट बन जाएगा, लेकिन ये एडिक्ट रहेगा। तो अब एपिजेनेटिक्स का विज्ञान क्या कहता है कि अगर आप अपने माहौल को बदल जाओगे ना, या और सरल और प्रैक्टिकल शब्दों में आप समझे तो अपनी संगत को अगर आप बदल जाओगे, क्योंकि संगत क्या करेगी, आपका पूरा का पूरा सम्मोहन कर देगी आपको। सम्मोहन कोई बुरी चीज अच्छी चीज नहीं है, सम्मोहन ही है हम लोग, सब सम्मोहन होते हैं हम सब।
सम्मोहन ही एक बच्चे को एक पर्सनैलिटी देता है। जो चीज जितना हजार लाख बार दोहराई है वही आपका बर्ताव है। अगर आपका एपिजेनेटिक्स बदल दिया जाए, यानी कि आपका एनवायरनमेंट बदल दिया जाए और आप ऐसे संगत में बैठ जाओ या सत्संग में बैठोगे, तो आप वो चीज दोहरा रहे होंगे, बार बार दोहरा रहे होंगे। जैसे अभी आप और हम बात कर रहे हैं, तो इतनी देर में ही हम कितने बार आपके मन में भावनाएं उत्पन्न हो चुकी है कि शराब को छोड़ना है। यही जितनी रिपीटिशन कर जाओगे आप, या कर कार्यमाला पकड़ लोगे हाथ में, आप देखते हो ना जो साधु घुमाते रहते हैं, वो कर्ममाला कार्यमाला होती है, वो घुमाते रहते हैं। वो क्या होती है कार्यमाला? वो यही होती है, यही विज्ञान है, रिपीटिशन प्राइमिंग, जिसको हम बोलते हैं मंत्र सिद्धि। करोड़ बार जप देते हैं, वो साधु से पूछोगे आप क्यों जपते हो, बोलते हैं जैसी मेरा मन भटकता है, यानी कि आपके केस में शराब की तरफ ध्यान जाता है, तो मैं ये जपने लग जाता हूं, तुरंत मेरे को याद आ जाता है। वो साधु भी आजाद नहीं हुआ है, वो भी कार्यमाला जप रहा है। उसे कार्यमाले जमीन में गिर जाए वो घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, वो भी वही बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी वो आईसीयू से बाहर आ रहा है। तो आप ये समझें। और तीसरी चीज, दूसरी चीज क्या है? रिपीटिशन, बार बार दोहराना है। तीसरी चीज, आपको कोई चीज खोजनी है क्रिएटिविटी, अपनी ऊर्जाओं को उस तरफ बहाने के लिए। अगर आप अपनी ऊर्जाओं को एज अ मेल क्रिएशन पर नहीं लगाओगे, क्योंकि पुरुष का मतलब ही है कि कुछ ऐसी ऊर्जा जो कुछ चीज पैदा कर जाए, या तो बच्चा पैदा कर जाए, स्त्री की कोख पर कब्जा कर ले, बच्चा का, यानी कि कामुक हो जाता है पुरुष, और कामुक नहीं होगा तो वो शराब में चले जाएगी वो ऊर्जा। क्रिएट करना चाहता है पुरुष, पुरुष की शक्ति ही हर पक हमेशा से ये रही है, बेचैन है ना पुरुष, सारी लड़ाइयां भी पुरुष ही करेगा और कंस्ट्रक्शन भी पुरुष ही करता है। आप चारों ओर अपनी बिल्डिंगें देखोगे, रेलवे ट्रैक्स देखोगे, स्त्रियों को घर में बैठा बैठा कर सब कुछ खुद हड़प लिया पहले, और फिर ट्रैक्स बिछाएगा, सारी बिल्डिंग बनाई गई, सारा सिस्टम, ये लैपटॉप्स जो आप हम देख रहे हैं, सारे सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स कौन रहे? पूरी दुनिया भी कोशिश है पुरुष के बनाने की, और फिर न्यूक्लियर वेपन से पुरुष ने बनाए, वो दौड़ेगा भी। पुरुष को कुछ करना मांगता है, कुछ करना चाहता है पुरुष, तो आपको एक चीज खोजनी पड़ेगी। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। हम सबको, आप सबको उसने ट्रेंड करा है एक टाटा अंबानी के एम्प्लॉय के अलावा कुछ भी नहीं। अगर आपका बचपन में कोई हॉबी है तो आप टॉपर के बच्चे नहीं बन सकते थे, असंभव है। और अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप टीचर के फेवरेट नहीं बन सकते थे। अगर आपकी कोई हॉबी है तो निश्चित ही आपको 2-3 घंटे उस पर लगाने पड़ेंगे और आपका संभव बड़े में प्रोफेशन बन जाएगा। अगर आपने 2-3 घंटे क्रिकेट, फुटबॉल और जिम में लगा देते तो आपके मार्क्स 70-75 से ज्यादा नहीं आ सकते थे, असंभव। स्कूल डिजाइंड इस प्रकार से है कि 2 घंटे की पढ़ाई आपको 8-10 घंटे में पढ़ाता है। अगर आप लोग कॉलेज गए हैं तो हमने बीटेक करी है, मैंने एमबीए करी है, बीटेक करी है, आप लोगों ने भी अपनी डिग्री करी होगी। 3 महीने की पढ़ाई या 2 महीने की पढ़ाई जो बीटेक की होनी चाहिए उसे 4 साल में करवाई जाती है, कुछ काम नहीं है। और हमारे साथ के बीटेक के बच्चे उसके 4 साल की डिग्री करने के बाद वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। किस चीज की डिग्री करी थी? सिविल इंजीनियरिंग, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बन गए। तो स्कूल ने, सबने कंडीशनड इतनी कोशिश करी है कि आप लोगों की कोई हॉबी ना बन पाए। और पुरुष की शक्ति को अगर रास्ता नहीं मिला तो वासना की तरफ भागेगी, यह बात आप याद रखिए। नियम है प्रकृति का, ये पुरुष की शक्ति है, वो चलना चाहती है आगे, वो कुछ पैदा करना चाहती है, और स्त्री की शक्ति है उस पैदाइश को संभाल कर और न्यूट्रिशन देना उसको। तो आपको कोई चीज अपने जीवन में खोजनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने वासना तो छोड़ दी शराब की, लेकिन दूसरी तरफ आपकी ऊर्जा भागेगी तो आपको कोई पाथ नहीं मिलेगा, फिर वापस घूम फिर के वहां आ जाएगी। ये सवाल बहुत अहम है हर किसी के लिए कि आपको कुछ क्रिएशन की तरफ अपनी ऊर्जा भेजनी है।